मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वेरियस सर्किट पैरामीटर आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड सच एज वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर एंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे मेजरिंग पैरामीटर होते हैं, जैसे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर और एनर्जी। करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं सेकेंडरी साइड में करंट और वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो इस स्लाइड में कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं। सेकेंड कॉलम है मेजरिंग पैरामीटर का, उससे क्या मेजर करते हैं, और थर्ड कॉलम है उसका यूनिट क्या होना चाहिए, उसका यूनिट क्या होता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग पैरामीटर और यूनिट का कॉलम बना है। जैसे पहला है अमीटर, तो अमीटर से हम करंट मेजर करते हैं और इसका यूनिट होता है एम्पेयर। तो अमीटर बताएगा कि 5 एम्पेयर करंट है कि 10 एम्पेयर करंट है या मिली एम्पेयर करंट है। ठीक है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया अमीटर। मेजरिंग पैरामीटर है, ये किसको मेजर करता है, तो करंट को मेजर करता है, और यूनिट एम्पेयर है। ऐसे ही वोल्ट मीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं किसी दो पॉइंट के बीच का, और इसका यूनिट है वोल्ट। ये इसका रीडिंग वोल्टेज में दिखाता है। तो अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अमीटर को सर्किट के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है, लेकिन वोल्ट मीटर को किसी पॉइंट के अक्रॉस पैरेलल में जोड़ा जाता है, और उस पॉइंट के अक्रॉस वो पोटेंशियल डिफरेंस देता है किस यूनिट में, वोल्ट के। अगला है वाट मीटर। वाट मीटर से हम लोग पावर मेजर करते हैं, और इसका रीडिंग वाट में दिया रहता है, इसके यूनिट वाट है। ओम मीटर, ओम मीटर से हम सर्किट का रेसिस्टेंस मेजर करते हैं, और ये ओम में मेजर करता है सर्किट के रेसिस्टेंस को। फ्रीक्वेंसी मीटर भी आता है जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी हर्ज में मेजर किया जाता है। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ज होता है। मीगर, मीगर से हम हाई वैल्यू के रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं। जैसे अगर हम ओम मीटर से ओम, मिली ओम, माइक्रो ओम मेजर कर सकते हैं, लेकिन मेगर से हम मेगा ओम, जीगा ओम, इस टर्म में हम रेसिस्टेंस को मेजर करेंगे। लाख, 10 लाख, ऐसे अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू है उसको हम मेगर से मेजर करते हैं। ये IR, इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मेगर यूज किया जाता है। ऑक्सिलरीज मोटर का IR मिनिमम 10 मेगा ओम होना चाहिए, और इसका यूनिट मेगा ओम है। अगला है एनर्जी मीटर, जो घर में हम लोग यूज करते हैं एनर्जी मेजर करने के लिए। ये वाट आवर में रीडिंग बताता है, किलो वाट आवर एक यूनिट को बोलते हैं। 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलो वाट आवर।